लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मोदी सरकार 02 को आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आज पीएम मोदी ने जहां मन की बात के जरिए एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं इससे नाखुश कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। नवी मुंबई के नेरुल में आज कांग्रेस नेता रविन्द्र सावंत और संतोष शेट्टी के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मोदी का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंटक जिलाध्यक्ष रविंद्र सावंत ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही आज देश में महंगाई, बेकारी और बदहाली बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना और लॉकडाउन मैनेजमेंट में भी विफल रही है, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज जहां बीजेपी एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, उसी वक्त सरकार की खामियां गिनाते हुए कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन किया। आज मुंबई और नई मुंबई में बढ़ती महंगाई और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। नई मुंबई के नेरुल में कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया और पीएम मोदी के पुतले का दहन करते हुए मोदी हटाओ देश बचाओ का उद्घोष कर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी, ओबीसी सेल के अध्यक्ष संतोष उतार, पूर्व नगर सेविका मीरा पाटिल, जिला सचिव विद्या भांडेकर समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। रविंद्र सावंत ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई के जरिए जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए जनता पीएम मोदी से पूछ रही है कि आखिर अच्छे दिन कहाँ हैं। आप देखिए, 100 रुपया पेट्रोल हो गया, गैस के भाव, अनाज के भाव, सब जगह बढ़ोतरी सी लूटने का काम कर रहे हैं। ये मोदी सरकार अदानी अंबानी प्राइवेटाइजेशन करके बेरोजगारी ला रहे हैं। आप देखिए, आज रेल अदानी के पास भेज दी, पेट्रोल जो भी पेट्रोल एचपी बीएचपी सब अभी हो अदानी अंबानी को बेचने के लिए तैयारी में है। आप ये लोग इतने परेशान हुए हैं मोदी सरकार को, हम लोग कर रहे मोदी हटाओ देश बचाओ, ये लोगों की देश की जनता नारे दे रही है। आज लोगों को देश में वैक्सीन नहीं है, लोग पैनिक हो रहे हैं, मगर ये मोदी सरकार बाहर गांव में एक्सपोर्ट, ये बाहर गांव बाहर के देशों के लिए मोदी सरकार वैक्सीन भेज रही है। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए, मोदी ने किया ना देश का विकास और ये पूरा देश ही बकास कर दिया है। आज हमारे प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले जी ने कहा है कि महाराष्ट्र भर ये आंदोलन हो रहे, हमने काले झंडे दिखा के उनका 7 मुंह का पुतला लगा के आज हमने उनको दहन कर दिया है। आज तो देश की जनता जागे, अच्छे दिन कहाँ है लोगों को दिखेंगे कि कांग्रेस ने जिस जमाने में कांग्रेस ने विकास किया था, आज वही मोदी सरकार उनका वो विकास का बकास कर रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ। वहीं वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी ने कहा कि 7 साल में मोदी सरकार ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। पीएम ने वादा किया था कि महंगाई घटाएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ बेच रही है, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मोदी सरकार आके आज पूरा 7 वर्ष हुआ है, 7 साल में लोगों का हाल सब लोगों को पता है, पूरा विश्व में पता है। आज डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव सेंचुरी के ऊपर गए। उन्होंने सत्ता जब लाना था, जब बोला कि 65 रुपये डीजल में कैसा देश चलेगा, 300 रुपये गैस में कैसा चूल्हा चलेगा, ये उसका वादा था। आज देश का परिस्थिति इतना खराब है, देश को उन्होंने बेचने का टेका लिया है, उन्होंने सब बेच के हो गया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, दुनिया भर का जितना बेचने का था उन्होंने बेच दिया है। एक्चुअली 7 साल में उसका तारीफ करना चाहिए था, तारीफ करने का काबिल उन्होंने कोई काम नहीं किया है, देश की बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है, गरीब का उसको कोई फिक्र नहीं है, इसके लिए हम उसका निषेध करता हूँ। बताया जा रहा है कि नेरुल पुलिस ने बिना परमिशन किए गए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।